नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। धर्मनगरी हरिद्वार की सफाई व्यवस्था बिगड़ती देख हरिद्वार नगर निगम के पार्षदों ने हरिद्वार के मेयर और नगर आयुक्त के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष सुनील अग्रवाल ने कहा कि हरिद्वार शहर में सफाई व्यवस्था बदहाल है, सड़कों पर से कोई कूड़ा हटाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आज हम सभी पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया। जब हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने फोन पर दूसरे अधिकारियों से बात कर स्थिति को गुमराह करने की कोशिश की। हरिद्वार नगर निगम के पार्षदों की कोई बात नहीं सुन रहा है, ना ही कहीं सुनवाई हो रही है और स्थिति जस की तस बनी हुई है, यानी कि बदहाल है। देखिए, कुछ पार्षदों को आया, कुछ पार्षद आए थे, कुछ समस्या वो अपनी सफाई को लेकर थी, उसके बारे में जो कंपनी काम कर रही है उनको भी बुला लिया गया था और उनकी समस्या को नोट कर लिया गया। कंपनी से इस संदर्भ में वार्ता करके तत्काल इसका निस्तारण किया जाएगा। नहीं देखिए, ये अगर इनको सफाई की जिम्मेदारी दी गई है तो उसका निस्तारण ये करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीधा सा एकदम इनको मैसेज दिया गया है कि अगर निर्धारित उसमें काम नहीं करेंगे, उचित काम नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसका जो इनके खिलाफ सैंक्शन लगता है वो लगाए जाएंगे। हरिद्वार महाकुंभ मेला 2021 सकुशल संपन्न होने पर तीनों वैष्णव अखाड़ों ने मेला प्रशासन का सम्मान किया। हरिद्वार से सुदर्शन आश्रम में आयोजित सम्मान समारोह में मेला अधिकारी दीपक रावत, कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल और उप मेला अधिकारी हरवीर सिंह सहित अन्य अधिकारियों, मीडिया कर्मियों को शॉल और माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही एक प्रतीक और गंगाजलि भेंट की गई। कुंभ मेला आईजी ने बताया कि ये परंपरा हर कुंभ में चलती आ रही है और आज इस परंपरा का हिस्सा बनकर बड़ा हर्ष हो रहा है, ये खुशी की अनुभूति हो रही है। वहीं कुंभ मेला अधिकारी ने भी इस अवसर पर अखाड़ों के द्वारा दिए गए सम्मान को संत महापुरुषों का आशीर्वाद बताते हुए सभी मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया। महाकुंभ के आयोजन में मीडिया द्वारा जो अपना सहयोग दिया गया है वो सराहनीय है, जिसके लिए हम मीडिया का आभार व्यक्त करते हैं। लालकुआ में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करना नगर के दुकानदारों पर भारी पड़ा है। निर्धारित अवधि के बाद भी दुकान खोलने पर पुलिस ने 4 दुकानदारों के चालान काटे। बताते चलें कि प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानों को ही 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। सोमवार को अन्य व्यापारियों ने भी अपनी अपनी दुकानें खोली। दुकानें खोलने की जानकारी मिलते ही पुलिस भी सजग हो गई। दुकानों को बंद कराने के लिए कोतवाली प्रभारी संजय कुमार फोर्स के साथ निकल पड़े। कई जगहों पर दुकानें खुली पाई गई, जिस पर पुलिस ने इसे कोविड नियमों का उल्लंघन मानते हुए 4 दुकान स्वामियों का चालान काटा। इनके खिलाफ कोविड नियमों का उल्लंघन करने की धारा 188, 269, 270 एवं 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। इधर कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि जारी सरकारी नियमों का अनुपालन कराने के लिए पुलिस द्वारा नगर में चेकिंग अभियान किया जा रहा है तथा जो भी नियम तोड़ता पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि लॉकडाउन के दौरान जो मैसेज है या जिस तरह के आदेश हैं कि सिर्फ आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें खुलेगी, वो बाजार में लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उसकी चेकिंग की जा रही है। उसके अलावा जो अगर तो कोई दुकान खुल रही है, अब तक तो उसको समझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन आज हमने कुछ मुकदमे लिखे हैं। आज और आज के बाद अगर कोई आवश्यक सेवा के अलावा कोई दुकानें खुलेंगी तो उनके खिलाफ सीधे अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जाएगी। आज इन दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत किए हैं और भविष्य में इनको सबको आज मैसेज भी कर दिया, और उसके अलावा अगर ये नहीं मानेंगे और भविष्य में इस तरह की दोहराई जाएगी गलती तो उसके खिलाफ प्रॉपर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। जी बिल्कुल, जो अब ये माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश से पूरे जनपद में लॉकडाउन है और पूरे जनपद में सिर्फ 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब दुकानें बंद रहेंगी। सभी जगह प्रॉपर मैसेज कर दिया गया है, इसके बावजूद भी अगर लोग नहीं मानेंगे, चाहे देहात हो चाहे शहर हो, उनके खिलाफ प्रॉपर अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई। लालकुआ क्षेत्र के हाथीखाना समीप वन विभाग के डोली रेंज कार्यालय के पास बीती रात ट्रक में 2 मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर बच्चियों के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इधर पुलिस द्वारा कराए गए बच्चों के मेडिकल परीक्षण में एक बच्चे के चेहरे पर आरोपी के नाखून के निशान मिले हैं। वहीं पुलिस ने देर रात कोतवाली पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी में दोनों बच्चों का मेडिकल परीक्षण हल्द्वानी में कराया, जिसके बाद मामले में पॉक्सो की धाराएं बढ़ाई गई। बताते चले कि कोतवाली क्षेत्र के हाथीखाना के समीप वन विभाग डोली रेंज कार्यालय के समीप 2 बच्ची जो कि 1 साल की और दूसरी 5 साल के साथ नशे में धुत युवक ने ट्रक में ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश की, जिसके बाद बच्चों की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने आरोपी को दबोच लिया। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई की। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़ित बच्चियों के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक निर्मल पुत्र कालीचरण थाना की छावाड़िया हल निवासी आदिखाना लालकुआ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कल शाम एक सूचना आई कि आदिखाना में एक अभियुक्त द्वारा 2 छोटी बच्ची, 1-5 साल की 1-4 साल की, उन बच्चों को ले जाकर उनके साथ छेड़खानी करने का प्रयास कर गया, बदतमीजी करने का प्रयास किया था।
उस सूचना पर उन दोनों बच्चों को बुला के बात की गई, उनके मम्मी पापा से बात की गई, तो उनके पापा की तरफ से थाना लालकुआ में मुकदमा पंजीकृत किया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कौन कौन से धारा मुकदमा पंजीकृत? अभियुक्त के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। सतपुली कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए क्षेत्र में फैले वायरल बुखार से सतपुली क्षेत्र में लोगों में भय का माहौल बना हुआ है, जिस पर स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जिला प्रशासन, स्थानीय विधायक, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से सतपुली में कोरोना सैंपलिंग की मांग की गई है, जिसके चलते सोमवार को राज्य के संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में कोरोना की जांच की गई, जिसमें 41 लोगों को कोरोना की सैंपलिंग की गई। सैंपलिंग के दौरान उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार ने संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि आज 41 कोरोना की जांच की गई है, जिन्हें रिपोर्ट आने तक घर में आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोरोना की सैंपलिंग ली जाएगी। कोरोना की सैंपलिंग लक्षण वाले मरीजों की जाएगी, बिना लक्षण वाले लोगों की कोरोना सैंपलिंग नहीं की जाएगी। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सतपुली के संयुक्त राज्य के चिकित्सालय में हमने परमानेंट सैंपलिंग स्टाफ की व्यवस्था कर दी है। मेरा क्षेत्रीय जनता से यह अनुरोध है कि वो प्लीज़ आएँ और अपना सैंपल कलेक्ट करवाएं। और मेरा कल तक हमारा लगभग 41 हमने सैंपल किए हैं, आज भी हमने लगभग 28 सैंपल लिए हैं, और कल का जो हमारा सैंपलिंग कैंप है वो APSC सतपुली में लग कर के नीचे इंटर कॉलेज में लगेगा। तो जो स्थानीय बाजार के व्यापारी हैं तथा सतपुली निवासी हैं वो अपना वहाँ पर सैंपल कलेक्ट करवा सकते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया अनावश्यक घरों से बाहर न निकले, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज दूरी का पालन करें। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।